अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर इकबाल। आज मैं कुछ अंगूर की कलमें लगाने लगा हूं। ये मैंने एक बड़ी कलम थी, मेरे पास शाख थी ज़रा अंगूर की, ये लगाया था और इसको मैंने कलमें बना ली। ये देखिए, नीचे से मैंने इसको काट लिया था और ये कलमें बना लिया। इसी तरह आप ही शाख ला के, अगर आपके पास शाख हो तो आप कलमे बना लें, ऐसे उसको नीचे से काट लें थोड़ा थोड़ा। और ये भालू मट्टी है, इसमें मैं लगा देता हूँ। तो कलम हिलनी नहीं चाहिए, अगर कलम आपकी हिलेगी एक दफ़ा, अगर आपने लगा दी तो उसको हिलाइएगा मत, उसको फिक्स होना चाहिए। ये 5 गमले कल मैं जो है मैं एक एक गमले में लगा रहा हूँ। जब ये ग्रो कर जाएंगे तो मैं इनको अलग अलग जगह पर ट्रांसफर कर लूँगा। इससे पहले भी मैंने ये कलमें लगाई हैं, लेकिन अभी तक इनमें पत्ते नहीं आए। वैसे ये नॉर्थ एरिया मुँह बन रहे हैं इनके, शायद जब आएंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। इसी तरह ये भी मैंने 5 कलमें पहले लगाए, इनमें भी अभी पत्ते वगैरह नहीं निकले। उसको फ्रेंड में पानी भी दे देता हूँ। और इनको अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं हरी मिर्च की भी शेयरिंग करूँगा और धनिया की भी शेडिंग करूँगा। धनिया की शेडिंग ये ऐसे ही स्प्रिंकल कर दूंगा धनिया एक साइड, इसको इसी मट्टी से कवर कर दूँ। और दूसरी साइड पर ये हरी मिर्च के सीड्स हैं, इनको स्प्रिंकल कर देता हूँ। अभी वैसे सीड लगाने का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये ट्राई के तौर पे लगा रहा हूँ। अब वैसे सीड लगते नहीं, लेकिन मैं लगा देता हूँ, तजर्बा करना चाहिए। बना सितंबर और अक्टूबर के एंड में लगते हैं, लेकिन अब दिसंबर इसको भी साइड पे रख देता हूँ ताकि फ्रेंड्स। ये मेरे माल्टे के सीड्स और मियाजपुर के सीड्स हैं, ये भी मैंने संभाल के रखे हुए, ये गर्मियों में मैं लगाऊंगा, अभी इसका सीजन नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा गार्डन दिखाऊंगा। ये धनिया भी अच्छा ग्रो कर रहा है, इस टाइम मैंने धनिया जो लगाया था
पालक भी, लेकिन पालक पे लगता है कोई कीड़ों का हमला हुआ है, ये पत्ते इसके खा रहे हैं कीड़े। इस पर भी मुझे इसको स्प्रे करना पड़ेगा। ये गुलाब भी चल रहे हैं अच्छी तरह, इसमें गुलाब भी लग रहे हैं। ये बैंगन के पौधे, इस पर भी फ्लावरिंग होने वाली है, उस पर जल्दी बैंगन भी लगेंगे। और ये टमाटर के पौधे भी लगाए हैं मैंने तीन। ये भी पालक देखिए अच्छी तरह ग्रो कर रही है, इसके लश ग्रीन पत्ते। और ये मूली के बीज जो हमने डाले थे वो, लेकिन अभी इसमें मूलियाँ तैयार नहीं हुई हैं। ये भी जब तैयार हो जाएंगी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। अब मैं आपसे यहाँ चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।